हेलो फूडीज, वेलकम टू अवर फूड वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के परांठे। तो मेथी के परांठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंच मेथी का लिया है, जिसे मैंने अच्छे से तोड़ लिया है, उसके जो डंठल है वो उतार दिए हैं। आटा लिया है और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मसालों में मैंने इसमें क्या यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट जो मैंने तैयार कर लिया है, साबुत जीरा और अनारदाना। तो चलिए इस परांठे को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो मेथी जो हमने पहले से ही तोड़ कर रखी हुई है, उसे हम पानी से वॉश कर लेंगे। हम यहाँ पर नमक वाले पानी से इसे वॉश करेंगे। इससे क्या है, इसके अंदर की जितना भी कड़वापन होगा, कड़वाहट होगी, वो सारी निकल जाएगी। मैं 1 चम्मच भर का नमक डाल रही हूँ पानी में और उसके अंदर मैं मेथी को भिगोकर अच्छे से धो लूंगी, ताकि इससे क्या है, उसमें अगर कोई भी गंदगी हो या कोई भी कड़वापन हो उसका, वो निकल जाए। देखिए, मैं थोड़ा सा इसे ऐसे डुबो कर अच्छे से भिगोकर साथ में से निकाल लूंगी और फिर इसे मैं छलनी से छान भी लूंगी साथ ही साथ। देखिए, मैंने अपने हाथों से अच्छे से निचोड़ लिया है और इसे हम निकाल रहे हैं छलनी से। तो इसी तरह हम बची हुई सारी मेथी को छलनी से ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले उसे डुबो देंगे पानी में, फिर साथ के साथ उसे निकाल कर इसके अंदर छलनी से अलग कर लेंगे, ताकि उसके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो छलनी से छन जाए। देखिए, हमारी सारी मेथी अच्छे से छन चुकी है। चलो इसे हम काटना शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी मेथी हाथों में लेकर ऐसे काट लेंगे चाकू से। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है तो आप चॉपिंग बोर्ड पर भी काट सकते हैं, लेकिन मैं तो हाथों से काटना पसंद करती हूँ। जिस तरह देखिए मैं काट रही हूँ, आप भी उसी तरह सारी मेथी को काट लीजिए। सारी मेथी अच्छे से कट चुकी है, तो चलिए हम आगे की प्रोसेस को अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्राई पैन लूंगी, उसमें थोड़ा सा घी डालकर हमारी ये जो मेथी है ना, इसे भून लेंगे। इससे क्या है, इसके अंदर का कड़वापन भी दूर हो जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी परांठे में। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, अब इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, 1 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ, ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए। जीरा को हम थोड़ा सा चटकने देंगे। तो जीरा चटक चुका है, तो चलिए इसके अंदर हम मेथी डाल देंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट ही चलाना है, ज्यादा हमें नहीं चलाना है, बस हल्का सा इसे फ्राई ही करना है। ये देखिए फटाफट ये फ्राई हो रही है, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सूख रहा है। मेथी का सारा पानी देखिए सूख चुका है और इसके अंदर का जितना भी कड़वापन है वो दूर हो चुका है। बस इसे हम ऐसे ही फ्राई पैन में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपना आटे की तैयारी कर लेते हैं। हम ऐसे ही छोड़कर चलिए आगे का हम तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सीक्रेट मसाला तैयार कर लेती हूँ। अनारदाना और ये जो जीरा है ना, इसे हम हमाम दस्ते में थोड़ा सा पीस लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये मोटा मोटा पीस जाए। उससे क्या है, ये जब हम डालेंगे ना परांठे में, तो इसका स्वाद और अच्छा आएगा। ये देखिए अच्छे से पीस चुका है, इसी तरह हमें इसको पीसना है। तो चलिए हम आटा गूंदना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आटा डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है। आप जितना आटा तैयार करना चाह रहे हैं, आप उतने हिसाब से आटा डाल लीजिए।
तो चलिए मैं आगे यहाँ पर 4 चम्मच भरकर बेसन डाल रही हूँ। मैंने पूरे 4 चम्मच मीजर करके इस कटोरी में रखे हुए थे, तो उतना ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब जो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। जो हमने सीक्रेट मसाला तैयार किया है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए आगे हम मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच भरकर मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा और ऊपर डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर लीजिए। मिर्च भी मैं 1.5 चम्मच लगभग डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से तीखे ही स्वादिष्ट लगते हैं परांठे। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ ताकि थोड़ा कलर आ जाए हमारे परांठे में। एक चम्मच मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ। घी से हमारे परांठे बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। आप चाहें तो फ्रेश दूध की जो मलाई होती है ना वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इससे क्या परांठे सॉफ्ट होंगे। तो चलिए अब मैं इसके अंदर मेथी डाल रही हूँ जो मैंने अच्छे से भून ली थी। उसे ठंडा करके अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसका आटा गूंद लेंगे हम। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालूंगी, एक साथ पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसका अच्छा सा एक डो हम बना लेंगे। इस परांठे को 2 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और जिस प्रोसेस से मैं बनाना सिखा रही हूँ आप भी बस उसी प्रोसेस से बनाइए इसे। सभी चीजों को मैं हाथों से अच्छे से मिला लूंगी ताकि वो इक्वली आटे में मिक्स हो जाए। देखिए मैं अच्छे से मिला रही हूँ ताकि जो मेथी है ना वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आटे में। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके अंदर अब आटा गूंद लूंगी मैं। आटा जो हम गूंदेंगे ना तो ज्यादा टाइट गूंदना है ना ही ज्यादा सॉफ्ट, एकदम मीडियम टाइप का हम ये परांठा वाला आटा गूंद लेंगे। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ही आटा गूंद रही हूँ। जिस तरह मैं डाल रही हूँ ना आप भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और आटे को ऐसे बाइंड करते रहिए। इससे क्या है ज्यादा समय तो लगेगा लेकिन बनने में बहुत आसानी रहेगी। एक साथ डाल देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हमारा आटा ढीला भी हो सकता है। तो आप कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए फिर ही आटे को गूंदिए। देखिए आटा अब जो बाइंड होना शुरू हो चुका है, बस इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। देखिए हाथों से ऐसे मिलाते रहिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा आटा है वो साथ के साथ गूंदता रहे। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। आटा हमारा देखिए तैयार हो चुका है, कितना फटाफट तैयार हो गया। जिस तरह मैंने देखिए आटा गूंदा है आप भी उसी तरह गूंद लीजिए, ना तो ज्यादा सख्त ना तो ज्यादा नरम, बस इस तरह ही आपको गूंदना है। तो अभी हम आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट भी हो जाए और ये बनाने में भी बहुत आसानी हो जाए।
मैं इसके ऊपर एक कपड़ा डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दिलवा लूंगी। तो रेस्ट के बाद तो ये देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए इससे हम अपने परांठे बनाना शुरू करते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि आटा है वो हाथों पे चिपके ना और हमारे परांठे अच्छे से बिल भी जाएं। पहले हम एक आटे की लोई ले लेंगे और उसे अच्छे से राउंड कर लेंगे। अब इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा डिप करके उसके बाद इसे हम बेल लेंगे, जैसे हम एक रोटी बेलते हैं उस तरह इसे बेल लेंगे। देखिए मैं इसे अब बेलन से बेल रही हूँ। यह अब बेल चुका है तो चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। मैंने अच्छे से इस पे घी लगा लिया है। अब इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर इसके ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे। देखिए जिस तरह मैं बनाना सिखा रही हूँ आप भी उस तरह ही इस परांठे को बनाइए, ये तिकोना परांठा बनेगा। तो देखिए मैंने फिर से इसके ऊपर घी लगा दिया है और अब एक बार फिर इसे फोल्ड करके अच्छे से उंगलियों से इसे प्रेस कर दूंगी। ऐसे तरीके से हमारा परांठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं। अब इस तिकोने परांठे को हम बेल लेंगे। देखिए बस ऐसे ही बेलना है जैसे हम बेलते हैं। ज्यादा इसे पतला नहीं करना है, बस इसी तरह मोटा ही इसे बेलना है। तो चलिए अब तवे पे डालकर इसे सेक लेते हैं। हम इस परांठे को बिना घी के तवे पर डाल देंगे तो उसी के साथ साथ हम अपने दूसरे परांठे उसे भी बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह मैं अपने सारे परांठे को तैयार कर दूंगी। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सेम उसी तरह पहले बेल लीजिए, फिर घी लगाकर उसका उसे अच्छे से जॉइंट करके उसका एक तिकोना परांठा तैयार कर लीजिए। फिर से हम इस रोटी के ऊपर देखिए घी लगाकर उसे फोल्ड कर लेंगे और उंगलियों से अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर घी लगा के इसे दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। बस इसे ऐसे ही बेलेंगे जैसे मैंने पहले आपको बेलना सिखाया, थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे आटा और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। मोटा ही इसे बेलना है, ज्यादा पतला इसे परांठे को नहीं करना है। चलिए दूसरा परांठा भी बन गया है। तो सबसे पहले जो हमने पहला परांठा तवे पे डाला है उसे हम पलट लेते हैं और अच्छे से उसे सेक लेते हैं। देखिए एक साइड इसकी बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम घी लगाकर इसे हम पका लेते हैं अच्छे से। ओके, मैंने घी अच्छे से लगा लिया है चम्मच से। अब इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना ये परांठा। हमारा ये क्रिस्पी परांठा मेथी वाला बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है और बहुत ही जल्दी बन गया है। तो आप भी इसी तरह इस परांठे को बनाकर देखिए, और आप कहीं सफर पर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाकर साथ में लेके जाइए। ये परांठे आपके 2 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। उसी तरह मैं अपने सारे परांठे तैयार कर लूंगी। तो मैंने दूसरा परांठा भी देखिए तवे पे डाल दिया है और उसको भी मैंने पलट दिया है। तो उस पे भी हम घी लगाकर उसे अच्छे से सेक लेंगे। आप इन परांठों को अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, ये परांठे ठंडे भी आपको स्वाद लगेंगे। तो आप एक बार इसे घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं
मैंने इस परांठे को भी अच्छे से सेक लिया है। चलिए इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरा परांठा अच्छे से सिक चुका है। इसी तरह बचे हुए सारे परांठे मैं बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये देखिए हमारा दूसरा परांठा बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट तैयार है। तो आप इस परांठे को हरी मिर्च के अचार के साथ और चटनी हो, दही हो, किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। और मुझे जरूर बताइए कि मेरे ये परांठे आपको कैसे लगे। आप अपने ब्रेकफास्ट में इसे बनाकर देखिए। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती रहूँगी ऐसी ही नई नई रेसिपीज के साथ। तब तक आप मेरी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।